नमस्कार सर, मैं डॉक्टर भारत भूषण, आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सक। हमारा संस्थान, हमारा हॉस्पिटल ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर नेत्र रोगों की चिकित्सा के लिए काम करता है। जटिल प्रकार की जो नेत्र व्याधियाँ हैं उनको ठीक करने के लिए, इस तरह की जो परेशानियाँ जिसमें कि मरीजों को बहुत समय हो गया है इलाज करते करते ठीक नहीं हो रही हैं बीमारियाँ, रेटिना की बीमारियाँ, ऑप्टिक नर्व की बीमारियाँ, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, यूवीआईटिस, कोरोडाइटिस, CRAO, CRVO, बच्चों का बढ़ता हुआ मायोपिया, प्रोग्रेसिव मायोपिया, डिजेनरेटिव मायोपिया, इस तरह की जो बीमारियां हैं जिसमें कि विजन जाने का चांसेस होता है, विजुअली पुअर लोग हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग चिकित्सा करते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी रहे हैं जिसमें कि कम्प्लीटली विजन चला गया, पेशेंट्स को कम्प्लीट ऑप्टिक एट्रोफी हो गई चोट लगने के कारण से, तो हमारे इलाज के द्वारा उनको भी रोशनी आई है। 8 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2 वर्षों से इसके पहले दिल्ली रहा, 2 वर्षों से हमने गुरुग्राम में ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर के नाम से सब शुरू किया है और बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स है। पेशेंट ट्रीटमेंट करने से उनको जो आंखों की बीमारी है उनका जो तकलीफ है वो काफ़ी कम हो रहा है। अभी जैसे बताया मैंने कि जो जिसमें कि दृष्टिगत बीमारियां, जिसमें कि आंखों की विजन कम हो जाता है धीरे धीरे या रोशनी भी जाने का खतरा रहता है, रेटिना की बहुत सारी डिजेनरेटिव बीमारियां, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजेनरेशन, चाहे वो बच्चों में है जुवेनाइल या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हैं, ऑप्टिक नर्व की डिजेनरेशन हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस, यूवीआईटिस, पोस्टीरियर एंटीरियर इंटरमीडिएट ग्लूकोमा जिसमें कि आँख की नस ख़राब हो जाती है, साइलेंट ब्लाइंडनेस का भी एक कारण बनता है ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी या मायोपिया बढ़ता जा रहा है, डिजेनरेटिव मायोपिया हो गया, हाई प्रोग्रेसिव मायोपिया हो गया, 12, 15, 16 नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें डिजेनरेशन को रोकने के लिए और उसको और बेहतर विजन करने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा जो इलाज है उसमें हम लोग 2 तरह का होता है, ओपीडी बेस में भी पेशेंट आया और उसको हमने जांच किया सभी अत्याधुनिक मशीनों से जांच करने के पश्चात उसकी जो व्याधि है उसको डायग्नोसिस होने के पश्चात उसको आयुर्वेदिक दवाइयां, कुछ खाने की टैबलेट्स, सिरप या कुछ ड्रॉप्स, आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स हम उसको उपयोग करने के लिए देते हैं कि जिसको वो प्रत्येक महीने दर महीने दिखाता है और अपना उपयोग करता रहता है दवाइयों को। अगर कुछ गंभीर व्याधियाँ और बीमारियाँ आँखों की हमें लगती हैं तो उसके लिए हम लोग आयुर्वेदिक क्रियाकल्प, नेत्र क्रियाकल्प हम लोग करते हैं जिसमें कि बहुत सारा प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि नेत्र प्रक्षालन, अक्षिसेकम, अंजनम, आश्चोतनम, पिंडी, विडालक, नेत्र तर्पण, पुटपाकम, शिरोधारा, क्षीरधारा, तक्रधारा, तलम, तलपुदचिल, नेत्रम्बंगम, इस तरह का बहुत सारा प्रोसीजर्स हम लोग उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं। आँखों की बीमारियाँ तो थी, पहले भी थी, लेकिन आजकल जो है रोगियों की संख्या बढ़ रही है और आँखों की बीमारियाँ भी बहुत समाज में बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो जीवन शैली है, खान पान का जो स्तर है, वो सब बहुत ख़राब हो गया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल एंड फूड स्टाइल जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अभी जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, आजकल बहुत ज़्यादा सब हो गया है, दुरुपयोग भी है जो उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं छोटे छोटे, सारे दिन कार्टून देखते हैं, कार्टून में ही सब लगे रहते हैं, रात को सोने का कुछ पता नहीं है, अर्धरात्रि में सोते हैं, बहुत लेट तक जागना, ये इस तरह से बहुत सारा बीमारियां बढ़ रही है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, बच्चों के ऊपर प्रेशर है, या इवन जो लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो लगातार कंप्यूटर को देखना पड़ता है, एसी है, पूरा ड्राइनेस कर देता है, तो ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, तो ये जो भी चीज़ें हैं
इनसे आंखों की जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं अभी। और बढ़ती हुई बीमारियों को कम करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो जो कारण मैंने बढ़ने के बताए तो उन कारणों को सेवन ना करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, सारा जंक फूड कोशिश करें कि जितना कम से कम लें या ना लें, अच्छा हेल्दी फूड लेवें, और उसमें जो मोबाइल है, लैपटॉप है, इनका भी ऑप्टिमल यूज़ जहाँ पे बहुत ज़रूरी है तो ही उपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें बिल्कुल जो है। और सुबह शाम थोड़ा सा योग एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा थोड़ा खाने में जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ज़्यादा उपयोग करें, दूध है, मक्खन है, ये थोड़ा उपयोग करें उसको, थोड़ा रेगुलरली ऑयल एप्लीकेशन है, चाहे वो सर के ऊपर है या बॉडी करते हैं, वो लोग आंखों को रेगुलरली ब्लिंक कर सकते हैं। अगर हर एक घंटे में एक मिनट तक एक बार ब्लिंक किया जाए तो आंखों का जो सूखापन है, ड्राइनेस का लेवल काफ़ी कम कर सकते हैं, या ड्राइनेस ना जो शुरुआती स्टेज में है उनको ड्राइनेस नहीं होगी। जल्दी सोएं, तनाव मुक्त रहें, तो इन चीज़ों से हम लोग नेत्रों की जो व्याधियां हैं उनको बढ़ाने से या उनको होने से रोक सकते हैं। हैं तो भी अच्छा हो सकता है। अगर किसी को बीमारियां बढ़ रही हैं आँखों की तो जल्दी से जल्दी अपने निकटतम चिकित्सक से सलाह करें, उनसे परामर्श लें।